सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे जे क्लासेज में वार्ड में। आज हम हल कर रहे हैं प्रयास वर्कबुक इंग्लिश क्लास 4-5 कक्षा चौथी और पांचवी की अंग्रेजी की नई वर्कबुक। इसमें हल करेंगे हम वर्कशीट 96, 97, 98, 99, 100। आइए शुरू करें। इससे पहले आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबाएँ और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाले हल आपको मिलते रहें। वर्कशीट 96। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आंसर। चित्र देखें और सही आंसर भरें। पुष्पा इज वियरिंग ए रेड शर्ट। सी इज ए गर्ल। ये एक लड़की है पुष्पा, देखिए, जो लाल शर्ट पहने हुए हैं। हर मदर्स इज वियरिंग ए ग्रीन साड़ी। इसकी माँ ने हरी साड़ी पहनी है। सी हैज ए रेड बिंदी ऑन हर और हेड। इसने माथे पर लाल बिंदी लगा रखी है। पुष्पाज फादर इज ए वियरिंग शर्ट। पुष्पा के पिताजी ने भी शर्ट पहन रखा है। ही इज आल्सो वियरिंग स्पेक्टलेस। स्पेक्टलेस आर ब्राउन, भूरे कलर का पहन रखा है इन कलर। पुष्पा आल्सो हैज ए ब्रदर। इज नेम इज सचिन। दे ऑल लिव इन हाउस इन खजूरी विलेज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड बेसिक पैरोग्राफ। हु इज वियरिंग ए शर्ट, तो पुष्पा फादर इज वियरिंग ए शर्ट। वेयर डज पुष्पा लिव, पुष्पा लिव इन ए हाउस। हु इज पुष्पाज ब्रदर, तो पुष्पाज ब्रदर इज सचिन, पुष्पा के भाई का नाम था सचिन। ये था वर्कशीट 96, वर्कशीट 97। ड्राई पिक्चर ऑफ यू सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे एट स्कूल विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ऑल्सो राइट 5 लाइन्स अबाउट इट। यू कैन यूज लाइन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। एक चित्र है, इसको देखकर हम ऐसा कैसा ही चित्र यहाँ बनाना है। नीचे कुछ बॉक्स में दिए हुए हैं इंडिपेंडेंस डे एवरी ईयर 15 अगस्त, यूनिफॉर्म, फ्लैग, होस्टिंग, नेशनल एथम, कल्चरल प्रोग्राम, डांस, म्यूजिक, एंजॉय स्वीट्स। ये यूज करते हुए हमें नीचे वाक्य पूरा करेंगे। टेन टेक हेल्प फ्रॉम द हिंड्स इन ए बॉक्स। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15 अगस्त। वी कम टू स्कूल इन यूनिफॉर्म। द चीफ गेस्ट होस्ट्स इन द नेशनल फ्लैग। वी सिंग ओवर नेशन एथम। कल्चरल प्रोग्राम आर प्रेजेंट बाई अस। सम स्टूडेंट्स डांस एंड सिंग सॉन्ग। वी गेट स्वीट एट द एंड। ये होता है हमें 15 अगस्त के प्रोग्राम में। ये था वर्कशीट 97। वर्कशीट 98। रीड दी कन्वर्जन बिटवीन वरुण एंड वर्षा एंड यूज कैपिटल लेटर फुली स्टॉप एंड क्वेश्चन वाचक मार्क एप्रोप्राइट एंड री राइट द सेंटेंस। हमें क्वेश्चन वाचक मार्क फुली स्टॉप और कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हुए वापस लिखना है। यहाँ बातचीत हो रही है, ये जैसे वर्षा, डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल। वरुण कह रहा है यस आई वांट टू प्ले फुटबॉल। वर्षा कह रही है वी कैन गो टू द ग्राउंड। वरुण इज इट फार। वर्षा नो इट इज नियर बाय। वरुण हाउ आर वी गोइंग दियर। वर्षा वी विल गो बाय बाइसाइकिल। इसको हम वापस रीराइट करेंगे, इसमें जो मिस्टेक थी उसको निकाला हमने। वर्षा डू का डी बड़ा आएगा। डू यू वांट टू प्ले फुटबॉल, पीछे क्वेश्चन वाचक मार्क आएगा। वरुण यस कोमा आई बड़ा आएगा, आई वांट टू प्ले फुटबॉल फुली स्टॉप। वर्षा डब्ल्यू बड़ा आएगा, इसमें वी कैन गो टू द ग्राउंड फुली स्टॉप। वरुण आई बड़ा आएगा, इसमें इज इट फॉर क्वेश्चन वाचक मार्क। वर्षा नो कोमा इट इज नियर बाई,
फुली स्टॉप। वरुण, हाउ का एच बड़ा, हाउ आर वी गोइंग दियर, क्वेश्चन वाचक मार्क। वर्षा, वी विल गो बाय बाइसिकल, फुली स्टॉप। ये हमने वापस इस वाक्य को लिखा है। ये था वर्कशीट 98। फॉर्मेटिव असेसमेंट 14 का हल देखेंगे। दी इंडिपेंडेंस डे इज द सेलिब्रेट ऑन, ये होता है 15 अगस्त को। डज आर एसोसिएट्स विथ, ये होगा बार्क। हु इज एसोसिएट विथ इजिंग, कोबरा। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, लास्ट वाला सही है। वाई आर यू गोइंग टू द फेयर, अगला है। राइट ए सुटेबल क्वेश्चन फॉर द दीज सेंटेंसेज। इज इट कॉल्ड आउटसाइड, क्वेश्चन वाचक। यस इट इज कॉल्ड आउटसाइड। वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू वाराणसी। तो इसका प्रश्न बनेगा वेयर आर यू गोइंग, और यस इट इज कॉल्ड आउटसाइड, तो इसका क्वेश्चन बनेगा इज इट कॉल्ड आउटसाइड, क्वेश्चन वाचक। नीचे हैं रीड द पोइम गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैक एंड जिली वेंट अप द हिल टू गेट ए ब्रेकेट ऑफ वाटर। जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन, एंड जिल कम फेलिंग आफ्टर। वाई डिड जैक एंड जिली गो टू अप द हिल, तो दे वेंट अप द हिल टू गेट ए ब्रेकेट ऑफ वाटर। वाई डू यू थिंक जैक फेल, बिकॉज ही स्लिप्ड हियर, जैक इसलिए गिरा कि वो स्लिप हो गया। वेयर डज वाटर कम फ्रॉम यूअर स्कूल, टेक हेल्प ऑफ यूअर टीचर इन फिलिंग आउट एंड देन राइट इन द ईयर। वी गेट वाटर फ्रॉम ए बोरवेल इन ओवर स्कूल, स्कूल में एक बोरवेल है वहाँ से पानी आता है। ये था फॉर्मेटिव असेसमेंट 14-14। वर्कशीट 99 देखेंगे। कंप्लीट द पैराग्राफ यूजिंग ए एन एंड द। वंस अपॉन ए टाइम देर वॉज ए लिटिल बॉय गोमू, ही लिव्ड इन ए विलेज विथ हिज पेरेंट्स। द विलेज वॉज नियर एन ओल्ड रिवर। गोमू हैड एन अंकल हु लिव्ड नियर हिज हाउस। वन डे द मैन कम विथ एन एलिफेंट, ही टुक द चिल्ड्रन फॉर ए राइड ऑन द एलिफेंट। द चिल्ड्रन लव्ड द राइड, बच्चों को राइड करना पसंद था। इसको हमने पूरा वापस लिखा है नीचे। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है। देर वॉज ए लिटिल बॉय गोमू, एक बार एक छोटा लड़का गोमू था। ही लिव्ड इन ए विलेज विथ हिज पेरेंट्स, वह अपने माता पिता के साथ गांव में रहता था। द विलेज वॉज नियर एन ओल्ड रिवर, गांव के पास ही एक पुरानी नदी थी। गोमू हैड एन अंकल हु लिव्ड नियर हिज हाउस, उस नदी के पास गोमू के एक अंकल रहता था। वन डे द मैन कम विथ ए एली एलिफेंट, एक दिन क्या एक हाथी वाला आदमी आया। ही टूक द चिल्ड्रन फॉर ए राइड ऑन द एलिफेंट, और बच्चों को हाथी पे बैठ के घुमाया। द चिल्ड्रन लव्ड द राइड, और बच्चों को घूमने में बहुत मजा आया। यह था वर्कशीट 99-99। वर्कशीट 100, वर्कशीट 100। कंपेटेंसी रीड्स टेक्स्ट विथ द कंपेरिजन एंड ड्रॉ कंक्लूजेशन। रीड द अबाउट पिंकीज ट्रिप टू बाजार एंड आंसर फ्यू क्वेश्चन इट। पिंकी बाजार जा रही है, इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। ए पिंकी वाज गोइंग टू बाजार विथ हर मदर, फादर एंड फाइव सिब्लिंग्स। पिंकी अपनी मम्मी पापा के साथ बाजार 5 और लोगों के साथ जा रही है। शी वाज सिटिंग ऑन हर फादर शोल्डर, वो अपने पिताजी के कंधे पर बैठी हुई है।
हर इल्डर ब्रदर सुरेश वाज हैपनिंग एट द वेरी बिग, उसका छोटा भाई सुरेश सबसे पीछे बैठा हुआ है गाड़ी के, ये देखिए लटक रहा है पीछे। मीना वाज सिटिंग इन द मिडिल, मीना सबसे बीच में बैठी है। सडनली द स्कूटर स्लिप्ड एंड ऑल देम फेल ऑन द ग्राउंड, अचानक स्कूटर स्लिप हो गया और सभी जमीन पर गिर गए। पिंकीज मदर एंड सुरेश गॉट इंजर्ड, पिंकी की मम्मी और सुरेश दोनों को चोट लग गई। दे वर टेकन टू द हॉस्पिटल, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। आफ्टर द एक्सीडेंट एक्सीडेंट के बाद पिंकीज फादर डिसाइड, पिंकी के पिताजी ने डिसाइड किया दैट ही विल नेवर राइड द स्कूटर विथ मोर देन टू पीपुल्स, स्कूटर पर दो लोगों से ज़्यादा को नहीं बिठाएंगे क्योंकि ज़्यादा लोगों को बिठाने से हादसा हो सकता है। आफ्टर राइडिंग द स्टोरी फाइंड द फॉलोइंग पीपल द पिक्चर एंड मार्क द विद द ABC, ABC हमने कर दिया यहाँ। ए पर है पिंकी, बी पर है सुरेश और सी पर मीना। वेयर आर दे गोइंग, दे वर गोइंग टू बाजार, ये बाजार जा रहे थे। वन मेंबर ऑफ द स्कूटर इन नॉट मेंशनड इन द पैरोग्राफ, हु इज इट? द कैट इज नॉट मेंशनड इन द पैरोग्राफ, व्हाई डिड द स्कूटर फॉल? यू कैन राइट ऑन यूअर लैंग्वेज, द स्कूटर स्लिप्ड एंड फेल, स्कूटर स्लिप हो गया और सब गिर गए। ये था वर्कशीट 96, 97, 98, 99, 100 का हल। और भी वर्कशीट के हल देखने के लिए हमारी चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ हमने सभी वर्कशीट के हल डाल रखे हैं। इसका हल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।